मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कराने के लिए ग्रामीणों को निशाना बनाया जा रहा है। ट्रेनिंग और जागरूकता के नाम पर लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सीधी में एक शिविर में 5 लोगों को लालच में देकर ईसाई बनाया जा रहा था। लोगों ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी दबाव बनाने लगे। मामला सागर के बहरी तहसील के नगझर गांव का है। शुक्रवार को यहां अबुडंट लाइफ वेलफेयर सोसाइटी ने ट्रेनिंग शिविर लगाया था। महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मिटाओ के पोस्टर लगाए थे। शिविर में 100 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष पहुंचे। ट्रेनिंग 5 लोग दे रहे थे। ट्रेनरों ने लोगों से कहा, आप जंगल से लगे क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ भूत प्रेत और रोग आपको परेशान करते हैं। आप ईसाई बन जाएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे, भूत प्रेत और जादू टोने से भी बच जाएंगे। शिविर में मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। 15 से 20 लोग शिविर छोड़कर चले गए। गांव के ही विनोद पांडे ने चारों आरोपी राजेंद्र बंसल निवासी नकवेल, रामजी उर्फ बब्बू सेन निवासी रामपुर सोनभद्र उत्तर प्रदेश, मायाराम कोल रविराम कोल दोनों निवासी केकराव चितरंगी सिंगरौली पर FIR कराएगी। पुलिस ने चारों लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 लोग सिंगरौली जिले के और एक एक सीधी और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हक बनता है कि आप इतनी लंबी पीढ़ी से आप चेंज कर दो, आपको क्या दबी है वहाँ मुझे हक दिया। सुनिए ना, हम अपने हाथ से लेना विंडो से बाद में पॉइंट पर बात क्या बोलते हैं चीनी लगी हुई है लाते पर बात क्या थी अब वही हुआ मुझे लगभग बात कोई है आज तक अब चली थी तो चला खोदर जन एक प्रेम भाई की जो पगलिया बच्ची है ऊपर का छोड़िए, आप लोग जितने भी लोग हैं जाइए, मूर्ति उर्ति रखिए, वापस से चेंज हो गए, पागल चेंज मत होइए। ये हमारे सभी बजरंग दल के बजरंगी। देखिए, इसमें कल थाना बहरी में जो सूचना प्राप्त हुई थी, सूचना प्राप्त होने पर कि जो नक्सल गांव है उसमें जो ग्रामीण दलों ने शिकायत दर्ज किया है कि वहां पर जो है धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा सूचना की तस्दीक की गई है। तस्दीक करने के पश्चात जो जानकारी प्राप्त हुई, जानकारी प्राप्त के अनुसार इसमें अपराध जो है वो पंजीबद्ध किया गया है, और पंजीबद्ध करने के साथ साथ इसमें जो है जो कुछ लोगों को उसे पूछताछ भी जारी है। इसके अलावा अन्य ग्रामीण जनों से भी पूछताछ जारी है इसमें। जी, तो इसमें कितने लोग यहाँ पर पकड़े गए पुलिस के द्वारा? जैसा कि इसमें है कि 3 से 4 लोगों अभी जो है इसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा हम ग्रामीण अन्य जनों से भी, और हम बात करें सीधी जिले के कोकस के, कि आपस में किस किस लोगों से बातचीत हो रही है और ग्रामीण जन कहाँ कहाँ पर ऐसी परिस्थिति है, उन सभी से पूछताछ इसमें कर रहे हैं। जिस प्रकार के साक्ष्य इसमें आएंगे उस प्रकार साक्ष्य के अनुसार जो है विधि अनुरूप इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी।